हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम आपके साथ लेके आए हैं आपकी वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास। इसमें 28 जून से 4 जुलाई के बीच में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको हम दोबारा आज रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का PDF का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप YouTube पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो लेट्स मूव टू द नेशनल न्यूज़। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में महापरवाना योजना की अनाउंसमेंट की है जिसके तहत वो नए निवेश को आकर्षित करेंगे उद्योगों में। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है महापरवाना प्लान की, जिसके तहत जो भी इंडस्ट्रीज में निवेश किया जाएगा उन्हें 25 स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस दिए जाएंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, हमारे संस्कृति मंत्रालय ने एक ट्री प्लांटेशन कैंपेन की शुरुआत की है जिसका नाम है संकल्प पर्व। ये कैंपेन चलेगा 2 हफ्तों तक, फ्रॉम 28 जून से 12 जुलाई 2020 पे। एट प्रेजेंट हमारे केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई प्रहलाद जोशी। ये जो कैंपेन है जिसका नाम है संकल्प पर्व, इसमें कई सारे पेड़ लगाए जाएंगे विद इन अ स्पैन ऑफ 14 डेज, यानी कि 28 जून से 12 जुलाई के बीच में। इसमें मेनली बरगद, अशोक, पीपल, बेल और आंवला के पेड़ लगाए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुनिया का पहला प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके तहत जो क्रिटिकल पेशेंट्स है COVID-19 के उनका ट्रीटमेंट होगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए महाराष्ट्र। ये दुनिया में अपना वन ऑफ अ काइंड इनिशिएटिव है जो महाराष्ट्र की सरकार ले रही है और उन्होंने इसकी मंजूरी दी है कि प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट की जाए क्रिटिकल COVID-19 पेशेंट्स पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस राज्य ने किल कोरोना कैंपेन की शुरुआत की है जिसके तहत 1 जुलाई से वो पूरी पॉपुलेशन को स्क्रीन करेंगे COVID-19 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अनाउंसमेंट की है किल कोरोना कैंपेन की। इसके तहत मध्य प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन को स्कैन किया जाएगा COVID-19 के इन्फेक्शन के लिए और ये स्टार्ट होगा फ्रॉम द सिटी ऑफ भोपाल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा सवाल, उस केंद्रीय मंत्री फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम को लॉन्च किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी हरसिमरत कौर बादल। सॉरी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत ये किया जा रहा है। इसमें जो हमारी लोकल यूनिट्स है उन्हें कई ज़्यादा फायदा होगा, उन्हें जो हमारी सरकार है इस स्कीम के माध्यम से उन्हें प्रमोट करेंगी और इस स्कीम से लगभग 8 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और 9 लाख फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को बढ़ावा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, कितने धनराशि ग्रांट की गई है हमारी केंद्रीय सरकार द्वारा एज एमरजेंसी फंड्स हमारी आर्म फोर्सेस को ताकि वो युद्ध के लिए खुद को तैयार कर सके? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी 500 करोड़। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में बॉर्डर पर इंडिया और चाइना में काफ़ी टेंशन है, इसके लिए हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने 500 करोड़ रुपए दिए हैं एज दी एमरजेंसी फंड्स हमारी आर्म फोर्सेस को ताकि वो कोई भी वेपन्स वगैरह खरीद सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन सहायता जिसका नाम है @OneClick लॉन्च किया है जिसके तहत लगभग 13,000 MSME को फायदा होगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी गुजरात।
गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर विजय रूपानी, उन्होंने ये ऑनलाइन सहायता जिसका नाम है एट वन क्लिक लॉन्च की है, जिसके तहत लगभग 13,000 MSME को फ़ायदा होगा और इसके लिए उन्होंने निवेश किया है 1,369 करोड़। और इस MSME में उन्होंने इंक्लूड किया है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां सवाल, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने के शैलजा को सम्मानित किया है उनके प्रयासों के लिए, उन्होंने COVID-19 से लड़ने में दिखाए हैं, वो किस राज्य की हेल्थ मिनिस्टर हैं? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई केरला। केरला की हेल्थ मिनिस्टर है के शैलजा, और ये उन लोगों में से थी जिनको यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे पे बोलने का मौका मिला, उन्हें यूनाइटेड नेशंस ने सम्मानित किया है उनके एफर्ट्स के लिए जो उन्होंने COVID-19 से लड़ने में दिखाए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवां सवाल, इनमें से किस राज्य ने लॉन्च किया है हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी मध्य प्रदेश। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्च में लॉकडाउन के बाद सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बंद है, इसीलिए बच्चों की पढ़ाई में नुकसान ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हुए वहाँ की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने निर्णय लिया है इस कैंपेन को लॉन्च करने का, जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय। इसमें इंटरनेट के माध्यम से इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा और जिसमें उनके ना तो लॉस ऑफ स्टडीज़ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे दसवें क्वेश्चन की तरफ। दसवां सवाल, इनमें से किस IIT ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी IIT मद्रास। IIT मद्रास ने दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री लॉन्च किया है इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। इसमें चार कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं मेनली, पहले जो ग्रेजुएट्स हों, दूसरे जो प्रोफेशनल्स हो, तीसरे जिन्होंने ऑलरेडी क्लास 12 को क्लियर कर लिया है, और चौथे जो ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। ये चार कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए भी कुछ सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ। ग्यारहवां सवाल, केरला की सरकार ने हाल ही में ड्रीम केरला नाम के एक प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है, एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है केरला के? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी RF मोहम्मद खान इज द गवर्नर ऑफ केरला। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर पिनराय विजयन, उन्होंने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है। इसके तहत जो NRI मलयालीज है जो लौट आए हैं ड्यू टू द COVID-19 और उनके जॉब्स खो गए हैं, उनकी पोटेंशियल और एक्सपीरियंस को वहाँ की सरकार टैप करेगी और एक कमेटी बनाया जाएगा जिसके तहत उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि केरला की सरकार उन्हें किस हिसाब से हेल्प कर सकती है जॉब्स प्रोवाइड करने में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बारहवें क्वेश्चन की तरफ। बारहवां सवाल, पूर्व हमारे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनके नाम जिनको सम्मान देने के लिए एक स्मारक डाक टिकट रिलीज किया जा रहा है उनके 100वें जन्मदिन पर, और उन्हें फादर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी जाना जाता है। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी PV नरसिम्हा राव के सम्मान में ये स्मारक डाक टिकट बनाया जा रहा है उनके 100th बर्थ एनिवर्सरी पे। उनका जन्म हुआ था वारंगल में जो अब तेलंगाना में है। June 28, 1921 में उनका जन्म हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 13वां सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने 130,000 हेक्टेयर की भूमि पर ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए एक्सटेंसिव प्लांटेशन ड्राइव शुरू करने का निर्णय लिया है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी ओडिशा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर नवीन पटनायक, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 130,000 हेक्टेयर की भूमि पर वो प्लांट्स लगाएंगे ताकि जो हमारा ग्रीन कवर है ओडिशा का वो बढ़ सके नेचुरली। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी ने हाल ही में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन की शुरुआत की है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए दिल्ली। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, इसीलिए
वहाँ की जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि वो एक कैंपेन लॉन्च करेंगे जिसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। इसके तहत वो 17 दिन ये कैंपेन चलेगी जिसमें लगभग 31 लाख सैपलिंग्स लगाए जाएंगे ताकि दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है उसे नेचुरली कंट्रोल किया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां सवाल, इनमें से किस राज्य को पूरी तरीके से डिस्टर्ब एरिया घोषित किया है और 6 महीनों के लिए अंडर दी AFSPA एक्ट 1958 हमारी सरकार द्वारा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए दिस आंसर इज सी नागालैंड। हमारी केंद्रीय सरकार, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसके तहत उन्होंने नागालैंड को घोषित किया है एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया और वहाँ पर जो आर्मी है वो रहेगी टिल दिसंबर 2020। चलिए बढ़ते हैं आगे 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां सवाल, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो पहला प्लाज्मा बैंक भारत में इंस्टॉल या सेटअप करेंगे एट द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है कि जो प्लाज्मा बैंक है यानी कि जो COVID-19 से जो पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं उनका प्लाज्मा लेके इस बैंक में स्टोर किया जाएगा और इसे सेटअप किया जाएगा एट द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली वन ऑफ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरीज थी जिन्होंने इसकी मंजूरी दी थी प्लाज्मा थेरेपी की इन द मंथ ऑफ अप्रैल। चलिए बढ़ते हैं आगे अब इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। पहला सवाल मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ का और 17वां इन जनरल, 2017 के परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत ने अपनी पोजिशन को कौन से नंबर पर रखा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, तीसरे नंबर पर रखा है। सॉरी यस जस्ट अ मिनट, हाँ 2017 के बेसिस पॉइंट्स के हिसाब से भारत है तीसरे नंबर पर इन द टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट इकोनॉमी, पहले नंबर पर है US और दूसरे नंबर पर है चाइना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 18वें क्वेश्चन की तरफ। स्विस बैंक में रखी गई धनराशि के हिसाब से भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी 77। 2019 में भारत की रैंक गिरकर हो गई है 77, 2018 में भारत की रैंकिंग थी 74 और लगभग 899 मिलियन स्विस फ्रैंक्स की धनराशि अवेलेबल है स्विस बैंक्स में और पहले नंबर पर इसमें आता है यूनाइटेड किंगडम जो अकाउंट करता है 27% ऑफ द स्विस बैंक फंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां सवाल, किस देश ने एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन के साथ प्लान्स बनाए हैं कि पहले जो पर्यटक है उन्हें स्पेस वॉक पे लेके जाया जाएगा इन 2023? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए रशिया। रशिया में है एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन और उन्होंने पहले टूरिस्ट को स्पेस वॉक पे ले जाने की घोषणा की है इन द ईयर 2023 और इसके साथ उन्होंने टाई अप किया है विद द स्पेस एडवेंचर्स। 2023 में वो 2 लोगों को लेके जाएंगे, उनमें से एक टूरिस्ट होगा और दूसरा होगा जो स्पेस स्टेशन का एक रोबोट या फिर वहां का एक एस्ट्रोनॉट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां सवाल, नासा की हेडक्वार्टर बिल्डिंग है उनका नाम अब किस इंजीनियर के नाम पे रखा जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी मैरी डब्ल्यू जैक्सन। नासा की जो हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन में उनका नाम अब उनके इंजीनियर है मैरी डब्ल्यू जैक्सन उनके नाम पर रखा जाएगा, वो पहली अफ्रीकन अमेरिकन इंजीनियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे 21वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस कंट्री ने हाल ही में गरीबी हटाओ के लिए अलायंस ज्वाइन किया है एट द यूनाइटेड नेशन एज इट्स फाउंडिंग मेंबर? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी इंडिया। भारत ने हाल ही में पॉवर्टी इराडिकेशन के लिए एक अलायंस ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस में एज इट्स फाउंडिंग मेंबर। इसके तहत भारत
जो एफर्ट्स ले रही है यूनाइटेड नेशंस कलेक्टिवली उसमें उनका साथ देगा और नए नए प्रपोजल्स और एफर्ट्स पे काम किया जाएगा। भारत का ऐसा मानना है कि पॉवर्टी सिर्फ मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन देने से नहीं हटेगी, हमारी जो इनइक्वालिटीज़ है हमारी सोसाइटी में उसे भी हमें लड़ना होगा, चाहे वो जस्टिस सिस्टम हो, सोशल जस्टिस हो, एजुकेशन हो या फिर हेल्थ सिस्टम हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 11वें क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 21वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से पहली कौन सी एक अफ्रीकन कंट्री है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के लिए RED प्लस के रिजल्ट्स सबमिट किए हैं। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी युगांडा। युगांडा पहली ऐसी अफ्रीकन कंट्री है जिन्होंने सबमिट किए हैं अपने रिजल्ट्स एट द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज। RED प्लस एक मैकेनिज्म है जिसके तहत जो एमिशंस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का उसे मैपिंग की जाएगी, और युगांडा का ऐसा मानना है कि लगभग 2015 से 2017 के बीच में उन्होंने 80 लाख टन ऑलमोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस को घटाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ। इनमें से किस संस्था ने हाल ही में $500 मिलियन का लोन अप्रूव किया है जिसके तहत जो भारत में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम है 6 स्टेट्स में उसे इम्प्रूव किया जा सके। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में $500 मिलियन की मंजूरी दी है जिसके तहत जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव किया जा सके 6 स्टेट्स में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। केयर रेटिंग्स के हिसाब से उन्होंने भारत की GDP ग्रोथ को कितने प्रतिशत तक आंका है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी -6.4%। केयर रेटिंग्स ने आंका है कि भारत की GDP वित्त वर्ष 2020 और 21 में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी एट -6.4%। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिच रेटिंग्स के फोरकास्ट के हिसाब से भारत की जो ग्रोथ है वो कितने प्रतिशत तक घट जाएगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई 8%। फिच रेटिंग्स ने एस्टिमेट किया है कि भारत की ग्रोथ घटकर हो जाएगी एट 8% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इनमें से किस राज्य ने $250 मिलियन के लोन अग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया है विद द वर्ल्ड बैंक जिसके तहत गरीबों को अफोर्डेबल हाउसिंग दी जाएंगी। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने साइन किया है एक प्रोजेक्ट जिसके तहत $250 मिलियन वर्ल्ड बैंक देगी उन्हें ताकि जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स उनके लिए बनवाया जाए और उन्हें हाउसिंग प्रोवाइड की जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 26वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस बैंक ने UTMA टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी येस बैंक। येस बैंक ने UTMA टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर युवा पे एक नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे 27वें क्वेश्चन की तरफ। NACR की फोरकास्ट के हिसाब से भारत की GDP कितने प्रतिशत तक रहेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी 1.9% तक रहेगी भारत की GDP इन द फाइनेंशियल ईयर 21 ड्यू टू द COVID-19 पैंडमिक। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 28वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस ऐप ने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत UPI जो UPI मल्टी बैंक मॉडल है उसके तहत जो यूजर्स है उन्हें मल्टीपल IDs क्रिएट भी कर सकेंगे और उसे यूज भी कर सकेंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए फोनपे। फ्लिपकार्ट ओन करता है फोनपे को और उन्होंने इसके लिए साझेदारी की है ICICI बैंक और येस बैंक के साथ। इसके तहत वो मल्टीपल ID क्रिएट कर सकेंगे और यूज कर सकेंगे उनके यूजर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे 29वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस बैंक ने स्विगी के साथ पार्टनरशिप की है और उन्होंने उनका डिजिटल वॉलेट जिसका नाम है स्विगी मनी लॉन्च किया है।
पांच ऑप्शन है उनके पास, तो चलिए द आंसर इज ई आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने जो फूड जॉइंट है स्विगी उनके साथ पार्टनरशिप की है और उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया है उनका डिजिटल वॉलेट जिसका नाम है स्विगी मनी। इसके तहत जो उनके यूजर्स या फिर कंज्यूमर्स हैं उन्हें एक सिंगल चेकआउट एक्सपीरियंस मिलेगा। स्विगी मनी में वो पैसे ऐड कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से और उसके बाद ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसी से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस संस्था ने $750 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है MSME को? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए वर्ल्ड बैंक। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने $750 मिलियन देने का निर्णय लिया है MSME को, जिसके तहत 15 करोड़ MSME को फायदा होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि MSME इज़ द लाइफ लाइन ऑफ एन इकोनॉमी, ये काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और सबसे ज़्यादा नुकसान इनका ही हुआ है ड्यू टू दिस COVID-19 पैंडेमिक। इसी के कारण $750 मिलियन निवेश किए जाएंगे ताकि उन्हें उनके वर्किंग कैपिटल वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं आए और वो अपना काम अब सही ढंग से शुरुआत कर सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे 31वें क्वेश्चन की तरफ। 31वां सवाल, इनमें से किस बैंक ने हाल ही में ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है किसानों के लिए? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए HDFC बैंक। HDFC बैंक ने हाल ही में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है जिसके तहत जो फार्मर्स है उन्हें बोथ बैंकिंग एंड एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक्सेस करने का मौका मिलेगा। बैंकिंग रिलेटेड में वो एक न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपने KCC लिमिट यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट वगैरह को एक्सेस भी कर सकते हैं और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में उन्हें कई ज़्यादा फ़ायदा होगा बिकॉज इसके तहत वो वेदर फोकास्ट चेक कर पाएंगे, ई पशु हाट चेक कर पाएंगे, मंडी प्राइसेस वगैरह भी चेक कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 32वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस संस्था ने $400 मिलियन की मंजूरी दी है ताकि जो हमारी गंगा है उनका कायाकल्प हो सके? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए वर्ल्ड बैंक। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने गंगा के कायाकल्प के लिए $400 मिलियन की मंजूरी दी है भारत को। इसके तहत गंगा को का जो पॉल्यूशन है उसे कंट्रोल किया जाएगा और उसे रिजुविनेट किया जाएगा। गंगा लगभग 500 मिलियन लोगों की लाइफलाइन है, उन्हें फ़ायदा किसी ना किसी वे से पहुंचाती है और हमारा जो वाटर मैनेजमेंट बेसिन है उसे भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसके अलावा टोटल वर्ल्ड बैंक ने लास्ट 3 महीनों में $2.57 बिलियन का लोन दिया है भारत को किसी ना किसी तरीके से COVID-19 से लड़ने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 33वें क्वेश्चन की तरफ। इंटेल कैपिटल ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं जियो प्लेटफॉर्म्स में और उसके बदले उन्होंने खरीदा है 0.39% स्टेक? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई 1894.50 करोड़ रुपए दे के उन्होंने खरीदा है 0.39% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स। जियो प्लेटफॉर्म की तरफ से ये ट्वेल्थ डील है इन 10 वीक्स। बढ़ते हैं अब अपॉइंटमेंट्स की तरफ। लजरस चक्वेरा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई मौलवी। बढ़ते हैं आगे हमारे 35वें क्वेश्चन की तरफ। माइकल मार्टिन को किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है? पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी आयरलैंड। 36वां क्वेश्चन, उस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है 1 वर्ष के लिए। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए KK वेणुगोपाल इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाल ही में उनका एक्सटेंशन हुआ है फॉर 1 ईयर फ्रॉम 1st of July। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 37वें क्वेश्चन की तरफ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उन CEO का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में जिनका टर्म एक्सटेंड हुआ है 2 वर्षों के लिए। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी राजकिरण राय। उनका टर्म एक्सटेंड हुआ है 2 वर्षों के लिए। बढ़ते हैं आगे 38वें क्वेश्चन की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में एक शानदार विक्ट्री हासिल की है और वो अब सत्ता में रह सकते हैं 2036 तक?
पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए रशिया। रशिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने हाल ही में रशिया में हो रहे इलेक्शंस के लिए इलेक्शंस में जीत हासिल की और वो अब 2036 तक रह सकते हैं पावर में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 39th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने हाल ही में चार्ज लिया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी श्रीकांत माधव वैद्य इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। बढ़ते हैं आगे 40वें क्वेश्चन की तरफ। किसे चुना गया है एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सीबीएफसी। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी रविंद्र भाकर को चुना गया है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे 41वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे चुना गया है एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन जिनेवा। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी इंद्रमणि पांडे को चुना गया है एज द इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन जिनेवा। बढ़ते हैं आगे 42nd क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे चुना गया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई वी सूर्य नारायणन को चुना गया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द चोला मंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। चलिए बढ़ते हैं आगे 43rd क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में IRDAI ने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें 9 मेंबर्स हैं। उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है और जो लोग श्योरिटी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्टर्स को देते हैं उनकी पॉसिबिलिटी को एग्जामिन करेंगे। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी जी श्रीनिवासन को चुना गया है एज द हेड ऑफ द 9 मेंबर वर्किंग कमेटी जो IRDAI ने सेटअप की है और जिसके तहत जो श्योरिटी बॉन्ड है ठेकेदारों को दिया जा रहा है उसकी पॉसिबिलिटी को एग्जामिन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की तरफ। 44th क्वेश्चन, इनमें से किसे प्रोफेसर पीवी सुखतमा नेशनल अवार्ड दिया गया है इन स्टेटिस्टिक्स। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई दो लोगों को इस साल दिया गया है प्रोफेसर पी वी सुखत्मा नेशनल अवार्ड इन स्टेटिस्टिक्स, वो है अरविंद पांडे और अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 45th क्वेश्चन की तरफ। पूर्व आरबीआई गवर्नर का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में प्रोफेसर पी वी महलवानिस नेशनल अवार्ड दिया गया है इन ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी सी रंगराजन को दिया गया है पीवी सॉरी सी रंगराजन को दिया गया है प्रोफेसर पीवी महानोबोलिस नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स उनके लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। ये अवार्ड दिया गया था नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे पे यानी कि 29th ऑफ जून को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 46th क्वेश्चन की तरफ। उस इंडियन अमेरिकन का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में कार्नेज कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 के ग्रेट इमिग्रेंट ऑनरीज का अवार्ड दिया है। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई दो लोगों को इस साल ये अवार्ड सॉरी हर साल जो कार्नेज कॉर्पोरेशन है न्यूयॉर्क की वो अवार्ड देती है अलग अलग लोगों को यानी कि मेनली इमिग्रेंट्स को जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उनके स्टेट्स में। तो इस साल उन्होंने दो लोगों को अवार्ड दिया है ये जो इंडिया में बिलोंग करते हैं। टोटल 38 लोगों को अवार्ड दिया गया है, उसमें से है ए सिद्धार्थ मुखर्जी जिन्हें पद्मश्री दिया गया था भारत से इन द ईयर 2014 और दूसरे हैं राज शेट्टी। इन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन किया है और इसीलिए कार्नेज कॉरपोरेशन ने उन्हें ये अवार्ड दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कमिटीज की तरफ। 47th क्वेश्चन, किसे नियुक्त किया गया है एज द कमिटी जो इन्वेस्टिगेट करेगी आसाम गैस लीक और जिसका गठन किया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। पांच ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी बीपी काट के इज द हेड ऑफ द कमिटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेटअप की है जिसके तहत जो आसाम गैस लीक है उसको
एग्जामिन करेंगे। इसके तहत उन्हें 30 डेज में एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। इंडियन ऑयल ऑयल कॉरपोरेशन का जो आसाम की जो आसाम वेल है वो कंटिन्यूसली यानी कि 9 जून से वो कंटिन्यूसली आग उगले जा रहा है, जिसके कारण ये कम्युनिटी का गठन हुआ है और वो लोग एग्जामिन करेंगे। बीपी कार्ड के ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई है जिसके न्यू हेड है वो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 48th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे चुना गया है एज द हेड ऑफ द नेशनल लेवल कमेटी जो क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्म्स लाएगी, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सेटअप की है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, रणबीर सिंह उस कमेटी के हेड रहेंगे जिसमें जो हमारे क्रिमिनल लॉज है उसके ऊपर चर्चा होगी और उसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं उसके बारे में सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। ये जो कमेटी है इसमें डिस्कशन चालू होगी फ्रॉम 4th of July और ये 3 महीनों तक चलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे 49th क्वेश्चन की तरफ। यूएन चीफ ने हाल ही में एक साइंटिफिक ग्रुप का गठन किया है जिसमें उन्होंने भारत से कुछ एक्सपर्ट्स को चुना है, उनका नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, जो यूएन चीफ है एंटोनियो गटेरस, उन्होंने एक साइंटिफिक ग्रुप का गठन किया है जो 2021 फूड सबमिट में जो हिस्सा लेंगे और उसके लिए उन्होंने कई मेंबर्स को चुना है। भारत में उन्होंने चुना है 2 लोगों को, एक है रतन लाल और दूसरे है डॉक्टर उमा लिले। जो रतन लाल है वो प्रोफेसर है एट दी ओहायो यूनिवर्सिटी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे MOU और पार्टनरशिप्स की तरफ। 50वां क्वेश्चन, किस कंपनी के साथ हाल ही में इंडियन रेलवेज ने एक MOU साइन किया है जो 6049 स्टेशन पे वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम्स बिठाएंगी। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, रेलटेल। रेलटेल एक मिनी रत्न PSU है जो जिन्होंने टाई अप किया है इंडियन रेलवेज के साथ और इसके तहत वो 6049 स्टेशन पर वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम्स बनाएंगी ताकि जो भी वहाँ की गतिविधियाँ हैं उन्हें सही से मॉनिटर किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 51st क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने खोलंगचू प्रोजेक्ट के लिए किस देश के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, भूटान के साथ। ये पहली बार MOU की जगह उन्होंने एक 50-50 जॉइंट वेंचर किया है विद भूटान, जिसके तहत वो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे जिसका नाम होगा खोलंगचू प्रोजेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 52वें क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी के साथ NTPC लिमिटेड और SDNC ने हाल ही में एक MOU साइन किया है फॉर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन दिल्ली? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ हुआ है ये MOU साइन। इसके तहत एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वो डेवलप करेंगे इन दी ओखला लैंडफिल साइट, जहाँ पे जो वेस्ट होता है उससे वो लोग सिनगैस कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ। 53rd क्वेश्चन, इनमें से ICC के एलीट पैनल को ज्वाइन करने वाले यंगेस्ट एम्पायर कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, नितिन मेनन ने ज्वाइन किया है ICC का एलीट पैनल ऑफ द एम्पायर्स और ये जो अनाउंसमेंट है ये 29th जून को आई थी। भारत से ये 3rd नंबर पर है जिनको इस ग्रुप में शामिल किया गया है एंड ही इज द यंगेस्ट अब तक। चलिए बढ़ते हैं आगे 54th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने हाल ही में नाडा ऐप लॉन्च किया है जिसके तहत जो एथलीट्स हैं उन्हें अपडेट मिलती रहे कि कौन कौन से पदार्थ प्रतिबंधित हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, किरण रिजिजू। ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और इन्होंने हाल ही में नाडा का एक ऐप लॉन्च किया है जिसके तहत जो एथलीट्स हैं उन्हें कौन कौन से प्रतिबंधित पदार्थ हैं उनके बारे में टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे और ऑल्सो उनके स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो उनसे मिस ना हो।
नाडा कई बार ये भी कहते कि बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि कौन कौन से सब्सटेंसेस बैन किए गए हैं और वो लोग उनका सेवन कर लेते हैं जिनके कारण उनका जो करियर है वो बहुत टाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 55th क्वेश्चन की तरफ। विजडन क्रिकेट मंथली मैगजीन के हिसाब से इनमें से किस क्रिकेटर को चुना गया है एज द मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी मुथिया मुरलीधरन। मुथिया मुरलीधरन को चुना गया है एज द मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी और ये चुना है विजडन क्रिकेट मंथली मैगजीन ने। ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका को और भारत से चुना गया था रविंद्र जडेजा को। चलिए बढ़ते हैं आगे 56 क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के उन चेयरमैन का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपना पद छोड़ा है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए शशांक मनोहर ने हाल ही में अपना पद छोड़ा है एज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और भी क्वेरीज की तरफ। 1971 वॉर हीरो का नाम बताइए जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था और जिनका हाल ही में निधन हुआ था। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए परवेज जमस जी। ये एक स्क्वाड्रन लीडर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ और इन्हें अपने पराक्रम के लिए इन द 1971 वॉर के लिए इन्हें वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने काम किया है एज ए लीडर फ्रॉम 1965 to 1985। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 58th क्वेश्चन की तरफ। सरोज खान का हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थी। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी कोरियोग्राफर। सरोज खान बॉलीवुड की एक जानी मानी कोरियोग्राफर थी जिनका हाल ही में 3 जुलाई को निधन हो गया है इन मुंबई। इन्होंने कई बॉलीवुड के आइकॉनिक सॉन्ग्स को डायरेक्ट भी किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 59th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में क्रिकेटिंग लेजेंड सर इवेटन वीक्स का निधन हुआ है एट द एज ऑफ 95। वो किस देश को बिलोंग करते थे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज को बिलोंग करते थे सर एवर्टन वीक्स जिनका 95 की एज में निधन हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की तरफ, इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल। तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। जून और जुलाई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस वीक के। 27 जून को मनाया जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे। 28 जून को मनाया जाता है नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। 29 जून को मनाया जाता है नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे और उनका 2020 का थीम है SDG 3 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके तहत इंश्योर हेल्दी लाइव एंड प्रमोट द वेल बींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। और दूसरा उनका थीम है SDG 5 यानी कि जेंडर इक्वालिटी हम अटेन कर सके और वुमेन्स को एम्पावर कर सके। 30 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। 1 जुलाई को दो चीजें मनाई जाती हैं, पहला है नेशनल डॉक्टर्स डे और उनका इस साल का थीम है लेसन द मोर्टैलिटी रेट ऑफ COVID-19। ग्लोबली हम बहुत अच्छे पोजिशन में है जिसमें हमारा जो रिकवरी रेट है वो 60% को क्रॉस कर गया है। स्टेटिस्टिक्स की माने जो 60.73% हमारा रिकवरी रेट है विच इज हाईएस्ट। और दूसरा है नेशनल पोस्टल वर्कर डे। हमारे जो पोस्टल ऑफिसर्स है जो हमको टाइम टू टाइम डिलीवरी देते रहते हैं चाहे वो कुरियर्स हो पार्सल को, उन्हें सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। इस दिन को मनाया जाता है टू सेलिब्रेट दी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो जगह जगह जाके स्पोर्टिंग इवेंट्स को कवर करते हैं। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पे आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कई सारे सब्जेक्ट्स के, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। वहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली उसे चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे आप परचेज उसे कर सकेंगे। बहुत सबके अलग अलग डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं कि सब में बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको वो बेटर हेल्प करेगा प्रिपेयर करने में। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।